You're a superhero. तुझे देखते ही ट्रैफिक रुक जाए, सूरज की रोशनी भी ढक जाए, तेरे लिए दिल ये गाए, तुझे नजर किसी की न लग जाए। हेलो भाई लोग, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब मस्त ही होंगे। मैं आपका दोस्त फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आरसी क्रिएशंस पे। आज जैसे आपने प्रीव्यू देखा है गाइस, वैसा हम कुछ उस टाइप का वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है गाइस आजकल इंस्टाग्राम पे, उस इफेक्ट की वजह से स्पेशली। और मेरे को दो तीन रिक्वेस्ट भी आई थी गाइस इंस्टाग्राम पे कि इस वीडियो का ट्यूटोरियल बना दो, तो मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल के साथ आया हूँ। तो इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको दो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। एक का नाम है पिक्सल लैब, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और दूसरे का नाम है काइन मास्टर, जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। दोनों के डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, आप वहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है गाइस, और यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट है उस पर डबल टैप करना है, और जो भी आप मतलब स्टेटस पे लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर लेना है गाइस। मैंने पहले से टाइप करके रखा है गाइस, तो मैं सिंपल इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ गाइस। अगर आप भी पहले ऐसे कर सकते हैं गाइस, पहले दूसरे नोट्स में लिख लीजिए, फिर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए, नहीं तो यहाँ पे भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो यहाँ से आपको ओके कर देना है, और यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा वाइड एंगल करके थोड़ा बराबर एडजस्ट कर लेना है गाइस। साइज़ वगैरह देख लेनी है अपने हिसाब से, और यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ए वाले आइकॉन पे क्लिक करना है आपको, फिर ऐसे थोड़ा अगर स्लाइड करेंगे आप तो यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा गाइस, तो इस पर क्लिक करना है, और जो भी आपको फॉन्ट पसंद आए, इतने सारे फॉन्ट रहते हैं गाइस इसमें, जो भी आपको पसंद आए गाइस वो फॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पे बोल्ड वाला ही सिलेक्ट करूँगा गाइस, थोड़े गाढ़े दिखेंगे अक्षर, इससे अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ से आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको फिर से साइज़, हर फॉन्ट की अलग अलग साइज़ होती है गाइस, तो साइज़ आपको ध्यान रखनी है। साइज़ एडजस्ट करने के बाद आपको इधर थोड़ा और सिलेक्ट करेंगे तो आपको शेडो का ऑप्शन मिलेगा गाइस, तो शेडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसको अनेबल कर लेना है गाइस, और राइट क्लिक कर देना है। फिर आप थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा गाइस, तो इस पर क्लिक करना है, एक ऊपर वाले इस पर क्लिक करना है और एक नीचे वाले इस पर क्लिक करना है, इससे पोजीशन बराबर सेंटर में आ जाती है गाइस। इसके बाद आपको राइट क्लिक कर लेना, फिर इस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है गाइस आपको, और ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट कर लेना है गाइस। ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलता है गाइस, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेव एज ए इमेज करिए, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट की जगह अल्ट्रा कर लीजिए, और सेव टू गैलरी कर लीजिए गाइस। चलिए गाइस, अब हमारे पिक्सल लैब का काम हो गया है, अब हम जाते हैं अपने काइन मास्टर में। तो चलिए गाइस, हमने अभी काइन मास्टर ओपन कर लिया है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको गाइस यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, और यहाँ से 1:1 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है गाइस, और यहाँ से हम ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे, और जितने सेकंड का आपको स्टेटस बनाना है गाइस उतने सेकंड इसको खींच लेना है, मैं इतना रख लूँगा। और फिर आपने जो टेक्स्ट लिखे थे गाइस पिक्सल लैब में, वो यहाँ पर ऐड कर लेना है गाइस, और आपको जितनी साइज चाहिए उतनी रख लेनी है गाइस। रख लेने के बाद इसको भी हम फुल स्क्रीन कर लेंगे गाइस, और एक क्रॉस इफेक्ट वाला वीडियो ऐड करेंगे गाइस हम यहाँ पे, इसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी गाइस। ये क्रॉस इफेक्ट वाली, इसको फुल स्क्रीन ना करें गाइस, इसके हाथ से बड़ा है, क्योंकि इसके नीचे वाले पार्ट में थोड़ा ब्लैक वैक है तो वो बिगाड़ देता है गाइस टेक्स्ट को। तो इसको थोड़ा आगे लेना है गाइस, देखना है ये कहाँ पे ओपन होता है गाइस, यहाँ पे थोड़ा आगे ले लेंगे हम, यहाँ पे हाँ बस इतना रख लेंगे गाइस। इससे हम लेफ्ट साइड इसकी कट कर लेंगे, और इसको टैप करके आगे खींच लेंगे गाइस। ये होने के बाद फिर से उसे पे वीडियो पे टैप करेंगे, और नीचे जाएंगे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाके उसे स्क्रीन कर देंगे गाइस। स्क्रीन करने के बाद आपको ऑडियो एडजस्ट कर लेना है गाइस। हम मैं यहाँ पे ऑडियो, एक वीडियो का ऑडियो निकाल लेता हूँ गाइस यहाँ पे। चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने ऑडियो निकाल लिया है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। ऑडियो निकालने के बाद गाइस, एक क्रॉस इफेक्ट वाली वीडियो जो है
पहले आपको सुन लेना है गाइस, मतलब जहाँ पे बीट हिट करेगी। चलिए गाइस एक बार हम सुन लेते हैं। चलिए गाइस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, यहाँ पे बीट हिट कर रही है गाइस। तो मैं ये जो बीट वाली जगह है गाइस, यहाँ से बराबर उस बीट वाली जगह पे लाना है, और एक क्रॉस इफेक्ट वाली वीडियो वहाँ से राइट ट्रिम कर लेना है गाइस। चलिए गाइस इसकी हम साइज़ थोड़ी बढ़ा लेंगे गाइस, इसकी भी साइज़ बढ़ा लेंगे। चलिए गाइस यहाँ पे जहाँ ये वीडियो कट करी है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे एक दूसरी इफेक्ट वाली वीडियो ऐड करना है। इसकी भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस। चलिए ये मिलने के बाद आपको नीचे ब्लेंडिंग में जाना है, और यहाँ से इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद थोड़ा आगे यहाँ पे ले लेंगे गाइस, और इसको ऐसे इसकी लेंथ फुल स्क्रीन कर देंगे गाइस, और बराबर जहाँ पर आपको फिट लगे वहाँ पर एडजस्ट कर लेना है गाइस, और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है गाइस एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है। चलिए गाइस अब वीडियो को कुछ इस तरह का लुक मिलेगा गाइस। इस तरह का इफेक्ट जहाँ पे बीट हिट करती है गाइस, वहाँ से आपको सेकंड वाली वीडियो चलानी है गाइस। इसके बाद हम बॉर्डर ऐड कर लेंगे लुक इम्प्रूव करने के लिए, जल्दी से ऐड कर लेंगे गाइस, और इसको भी फुल स्क्रीन खींच लेंगे हम। ओके गाइस इसके बाद हम यहाँ वाले शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे गाइस। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है कल एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।